तो ये पुल जो है ना वो दूसरी नहर का है और ये जो पुल है वो दूसरी नहर का है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी नहर आपको दिखने लग गई होगी। और जैसे ही मैं इधर कैमरा घुमाता हूँ, इधर यहाँ पे एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे चार पुलों का संगम, यानी कि चार पुल हैं और तीन नहरें हैं। तो फाइनली गाइज अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं पुल को, तो क्रॉस करके हम इधर आ गए हैं और यहाँ से देखिए पुल कुछ ऐसा लग रहा है। वाह व्हाट अ व्यू यार, यहाँ पे तो फिल्म की शूटिंग होनी चाहिए। मतलब इधर देखिए कितना मस्त व्यू लग रहा है। और आगे जो पुल है ना आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखिए वाह वहाँ पे ना चार पुल हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चार पुलों वाला एक एरिया है, मतलब इसको हम लोग चौपुला कहते हैं। तो एक पुल जो आपको दिख रहा है ना, और उसके जस्ट बगल में इधर साइड में जो है एक और पुल है, ठीक, और उसके जस्ट बगल में उधर एक और पुल है। और सबसे खास बात ये जो आप नहर देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसी के बगल से वहाँ पे जो पुल है वो सीधे एक नहर गई है। इधर आपको पेड़ दिख रहे होंगे किनारे किनारे लगे हुए, तो ये जो है नहर पे ही पेड़ लगे हैं, यानी कि वो बड़ी नहर है और उसकी ये शाखा जो है इससे निकली हुई है। तो ऋषिदेव क्या बोलते हो, दिखा दें उस नहर को भी? तो फाइनली गाइस ऋषिदेव ने हाँ कर दिया, तो हम आपको उस नहर को भी दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। कि गाइस अभी का माहौल कुछ ऐसा ना, बहुत तेज़ से सूर्य की चमक लग रही है और हम लोग बस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए जा रहे हैं जहाँ। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपको ऐसे कुछ आइडिया लग रहा है नहीं लग रहा है? फिलहाल तो लग गया होगा, क्योंकि एक इधर पुल आपको दिख रहा है, जस्ट एक इधर पुल है आपको दिख रहा होगा। तो ये पुल जो है ना वो दूसरी नहर का है और ये जो पुल है वो दूसरी नहर का है जो इधर को, यानी हमारे गाँव से गई। और जस्ट उसके पास में यहाँ पर देखिए आपको तीसरा पुल भी दिख रहा होगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि चौथा पुल कहाँ पे है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस हम थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। तो गाइस अभी हम शूट करने लग गए हैं DSLR से, और आपको शायद पीछे नहर दिख रही है, नहर दिख रही ना, तो आपको पीछे पुल और नहर दिख रही होगी। तो मैं आ गया हूँ अपनी मतलब ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कसम से यार आप लोग आ जाए ना तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है, वाकई में यार देखने लायक है। तो हम लोग कभी कभी यहाँ पे आते रहते हैं, टहलते रहते हैं, बहुत तेज़ से सूरज की रोशनी लग रही है यार फिलहाल। तो आपको चार पुल हम दिखाने वाले थे, तो एक पुल तो आपने मेरे पीछे देख ही लिया होगा, और ये एक पुल जस्ट मेरे पास में है उसको भी आपको दिखाते हैं। और आप राउंड करिए, थोड़ा सा राउंड करिए और देखिए मेरे पीछे, ये देखिए ये पुल आपको जो दिख रहा है ना, ये दूसरा पुल है, दो पुल हो गए ना, और जस्ट उसके उधर एक तीसरा पुल है। वो किसका पुल है पता? वो जो है तीसरी नहर का पुल है भाई साहब, तीसरी नहर का पुल, यानी कि यहाँ पे तीन नहर कटती हैं जो एक नहर से डिवाइड होती हैं। तो भाई साहब तीन नहरों का संगम है यहाँ पे, और बहुत ही मस्त लोकेशन है कसम से। और चौथा जो पुल है ना, जिस पुल से आपको हम लेकर आए हैं, यानी कि रेलवे लाइन वाला पुल। चुके हैं पुल पे, और देखिए यहाँ पे ना पुल जो है इस टाइप से है कि यहाँ पे एक फोर व्हीलर इससे क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना छोटा पुल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना कम चौड़ा जो है पुल है, यहाँ पे फोर व्हीलर नहीं निकल सकती, यहाँ पे केवल टू व्हीलर ही निकल सकती है और पैदल निकल सकते हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना गेट लगाए गए हैं पानी का फ्लो जो है कम ज़्यादा करने के लिए। और ये जो पटरी है ना, ये जो है अभी हाल ही में बनाई गई है, और नीचे जो वाली पटरी है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे भी एक पटरी है। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और यहाँ से भाई साहब पीछे की लोकेशन मस्त लग रही है। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो खेतों से लोग काम करके ना अपने अपने घरों की तरफ जाने लग गए हैं, और मैं आपको किसी दिन जंगल की भी सैर कराऊंगा, जो कि यहाँ से नज़दीक में ही दुधवा नेशनल पार्क से जो जंगल मिलता है, यानी कि आप लोग दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वो हमारे यहाँ ही पड़ता है, यानी कि हम लोग उससे बहुत ही कम दूरी पर रहते हैं। तो फिलहाल मुझे तो यहाँ की लोकेशन बहुत मस्त लगती है, गाँव की वाइब्स ही कुछ अलग होती है। तो देखा आपने यहाँ का व्यू कितना मस्त है और कितनी अच्छी वाइब्स आई। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो ना वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाकर दिखाता रहूँगा, आपको एंजॉय करते रहेंगे। अगर है ना चैनल पर जब सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं, मतलब फैमिली मेंबर ऐड होते रहते हैं और वीडियो को लाइक्स मिलते रहते हैं, तो वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और शाम भी हो चली है, फिर मैं जाऊँगा दुकान पर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।